तो दोस्तों हमारे सामने सुजुकी स्विफ्टर गाड़ी आ चुकी है 2013 की, हमारे सामने 2007 की मेहरान गाड़ी, और इसे कांटेक्ट करें, बोले मेहरान चाचा बात कर रहे हैं। आ चुकी है 2013 का ये मॉडल है। तो दोस्तों हमारे सामने सुजुकी स्विफ्टर गाड़ी आ चुकी है 2013 का ये मॉडल है। आप गाड़ी की आगे की लाइट्स वगैरह देख लें भाई लोग, आगे की लाइट से तो हमें बिल्कुल ओके गाड़ी का कंडीशन में देखने को लग जाती है। और अभी आपको गाड़ी की आगे की ओवरऑल कंडीशन वगैरह दिखा दूंगा। अगर हम गाड़ी के टायरों की बात करें तो आप गाड़ी के टायर वगैरह देख लें भाई, कोई मतलब रफ कंडीशन में टायर नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में, काफ़ी साफ सुथरी कंडीशन में हमें टायर गाड़ी के दिखने को मिल जाते हैं। अभी आपको गाड़ी के पीछे से कंडीशन वगैरह दिखा देता हूँ, पीछे से भाई ने गाड़ी कैसे मेंटेन वगैरह करके रखी हुई है। तो पीछे वाले टायरों की बात करें तो पीछे वाले टायर भी हमें बिल्कुल नीट एंड क्लीन और काफ़ी साफ सुथरी कंडीशन में दिखने को मिल जाते हैं। अभी आपको गाड़ी की ओवरऑल कंडीशन वगैरह दिखा देता हूँ, भाई ने गाड़ी कैसे मेंटेन वगैरह करके रखी हुई है। तो अगर हम गाड़ी के डोरों की बात करें तो आप गाड़ी के ये डोर वगैरह देख लें भाई लोग, डोर से हमें गाड़ी बिल्कुल प्रॉपर कंडीशन में, साफ सुथरी कंडीशन में दिखने को मिल जाती है। अंकल बता रहे हैं टोटल जेन्युइन गाड़ी है भाई। और अभी आपको गाड़ी के अंदर से भी कंडीशन दिखा देता हूँ, आगे से भाई ने गाड़ी कैसे मेंटेन वगैरह करके रखी हुई है। तो अगर हम गाड़ी के डोरों की बात करें, आगे वाले डोरों की बात करें, तो भाई आगे वाले डोर भी हमें बिल्कुल अच्छी कंडीशन और काफ़ी साफ सुथरी कंडीशन में देखने को मिल जाते हैं। और आपको आगे की सीट्स वगैरह भी दिखा देता हूँ भाई, आप गाड़ी की आगे की सीट्स वगैरह देख लें। इंटीरियर डैशबोर्ड की बात करें तो आप गाड़ी का ये इंटीरियर और डैशबोर्ड वगैरह देख लें भाई लोग, इंटीरियर डैशबोर्ड से हमें गाड़ी की कंडीशन बिल्कुल प्रॉपर कंडीशन और काफ़ी साफ सुथरी कंडीशन में देखने को मिल जाती है। अभी आपको गाड़ी का इंजन रूम वगैरह दिखा देता हूँ, उसके बाद जिन भाई की गाड़ी है भाई से कॉन्टैक्ट करवा देता हूँ। अभी आपको गाड़ी का इंजन रूम वगैरह दिखा देता हूँ, आप गाड़ी का ये इंजन रूम वगैरह देख लें भाई लोग, कुप्पे वगैरह देख सकते हैं। बैटरी वगैरह भी देख सकते हैं आप लोग। तो अभी मैं आपको गाड़ी का ओनर से, गाड़ी के ओनर से मिलवा देता हूँ, उनसे पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी और सब कुछ जेन्युइन है इसका, चलती काम कम चलती है, घर पे घर के इस्तेमाल के लिए थोड़ी बहुत। डॉक्यूमेंट सिविल से टैक्स से क्लियर है, टैक्स सब क्लियर है इसका, ये लगा हुआ है इसका, ठीक है। एसी वर्किंग में अंकल जी? एसी वर्किंग में। पेट्रोल सिंह जी दोनों पे या सिर्फ पेट्रोल पे? सिर्फ पेट्रोल। पेट्रोल एक लीटर में कितना दे रही है अंदाजा? दे रही है 13-14 दे रही है, ठीक है। अपना नंबर और नाम वगैरह बता दीगा? मेरा नाम रियाज अली खान है और नंबर मेरा 0308-299-2750। और डिमांड क्या कर रहे हैं गाड़ी की? 17। फाइनल कितने तक छोड़ देंगे अंदाजा? वो तो फिर बैठ के बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच भाई ने गाड़ी के बारे में काफ़ी तफसीलात वगैरह बता दी, गाड़ी मैंने आपको दिखा दी। अगर आपको गाड़ी पसंद आती है तो भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, शुक्रिया। ये है हमारे सामने 2007 की मेहरान गाड़ी, और अभी आपको गाड़ी की कंडीशन वगैरह दिखा देते हैं। अगर हम गाड़ी के फ्रंट की बात करें तो भाई फ्रंट देख सकते हैं आप लोग, थोड़े बहुत स्क्रेचेस वगैरह लगे हुए, आप ये देख सकते हैं। अभी आपको गाड़ी की ओवरऑल कंडीशन वगैरह दिखा देंगे, भाई ने गाड़ी कैसे मेंटेन वगैरह करके रखी हुई है। अगर हम गाड़ी के साइड लुक की बात करें तो आप गाड़ी का ये साइड लुक वगैरह देख सकते हैं। अभी आपको गाड़ी की ओवरऑल कंडीशन वगैरह दिखा देते हैं, और अगर हम गाड़ी के टायरों की बात करें तो आप गाड़ी के टायर वगैरह देख लें पहले, टायर से तो हमें गाड़ी बिल्कुल ओके कंडीशन में दिखने को मिल जाती है। आप गाड़ी का ये बैक लुक वगैरह भी देख लें भाई लोग, ये थोड़ी सी लाइट टूटी है भाई, आप लोग देख सकते हैं। खैर तो मैं ईच एंड एवरीथिंग आपको दिखा रहा हूँ, तो ताकि भाई जो गाड़ी है वही दिखाई जाए आपको। अभी आपको गाड़ी की छत वगैरह भी दिखाएंगे हम लोग, तो आप गाड़ी की छत वगैरह देख लें भाई लोग, थोड़े बहुत ये टेंट वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है हो गया। तो अभी आपको गाड़ी के अंदर से भी कंडीशन वगैरह दिखा देते हैं, अंदर से भाई ने गाड़ी कैसे मेंटेन वगैरह करके रखी हुई है। अभी आपको गाड़ी के डोर वगैरह दिखा देते हैं भाई, आप ये गाड़ी के डोर वगैरह देख सकते हैं, डोर से तो हमें गाड़ी कुछ इस तरह से दिखने को मिल जाती है। आप गाड़ी के ये डोर वगैरह देख लें। अभी आपको गाड़ी की आगे की सीट्स वगैरह दिखा देते हैं भाई लोग, आप गाड़ी की आगे की सीट्स वगैरह भी देख लें। आगे की सीट से हमें गाड़ी बिल्कुल प्रॉपर कंडीशन में देखने को मिल जाती है भाई, देख रहे हो आप लोग। तो अभी आपको गाड़ी का इंटीरियर डैशबोर्ड वगैरह दिखा देते हैं, इंटीरियर डैशबोर्ड वगैरह देख लें भाई, बिल्कुल सोबर टाइप का ये इंटीरियर डैशबोर्ड हमें देखने को मिल जाता है। और अभी आपको गाड़ी की पीछे वाली सीट्स भी दिखा देते हैं, आप गाड़ी की पीछे वाली सीट्स वगैरह देख लें भाई लोग, और डोर वगैरह भी देख लें आप लोग। तो अभी आपको गाड़ी के ईच एंड एवरीथिंग तो दिखा चुका हूँ आई होप, तो अभी आपको गाड़ी का इंजन वगैरह दिखा देते हैं। अगर हम गाड़ी के इंजन रूम की बात करें तो आपको गाड़ी का इंजन रूम वगैरह दिखा देते हैं भाई लोग। आप ये कुप्पे वगैरह भी देख लें। तो अभी जिन भाई की गाड़ी है भाई से कॉन्टेक्ट करते हैं, भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी है और वो डिमांड वगैरह क्या कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। ये गाड़ी के बारे में तफसीलात वगैरह बताइएगा, कौन सा मॉडल है ये वाला? 2007 मॉडल है। ठीक है, 2007 का मॉडल है। डॉक्यूमेंट सिविल से टैक्स से क्लियर है? सब क्लियर है। एसी वर्किंग में? ठीक होगा। पेट्रोल सिंह जी दोनों पे या सिर्फ पेट्रोल पे? पेट्रोल सिंह दोनों। एक लीटर में कितना दे रही है अंदाजा? 17-18 दे रही है, ठीक होगा। गाड़ी में किसी किस्म का काम आपको लगता हो? कोई काम नहीं।
कोई काम नहीं है, ठीक है। डिमांड क्या कर रहे हैं गाड़ी की? 4,90,000। फाइनल कितने तक छोड़ देंगे? लेकिन अंदाजा होता है, एक पार्टी आएगी, बैठ के बात कस्टमर आएगा, बैठ के बात होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। पेट्रोल महंगा होने से छोटी गाड़ियाँ महंगी हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, पेट्रोल महंगा होने से छोटी गाड़ियाँ महंगी हो गई। अच्छा अच्छा, पेट्रोल यार क्यों 5.70 मांग रहे हैं हम? तो जायज पैसे मांग रहे हैं। आप जायज पैसे मांग रहे हैं, आप चाह रहे हैं मतलब चार, अगर कितने मांग रहे हैं आप? 4.90। अगर 4.90 मार रहे हैं, अगर कोई 5 दे के चले आए क्या बोलेंगे आप? खुश हो जाएंगे, बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक हो गया, अपना नंबर और नाम वगैरह बता दें। ठीक है, नंबर मेरा 03। मेहरान चाचा नाम है भाई, देख लें। अगर आप भाई से कांटेक्ट करें, बोले मेहरान चाचा बात कर रहे हैं, तो ये है कि मेरा नंबर है 03003 006 59 02 9। ये आपका नंबर है? ठीक हो गया। लोकेशन कहाँ की, गाड़ी कहाँ मिलेगी? नॉट नाजमाबाद। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच भाई। भाई ने दो गाड़ियाँ हमें दिखा दी हैं, ठीक हो गया, एक मेहरान दिखा दी, एक ऑल्टो दिखा दी। अगर कोई भी गाड़ी पसंद आते तो भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं, शुक्रिया भाई। कल्टस गाड़ी आ चुकी है, 2013 का ये मॉडल है। अभी आपको गाड़ी की कंडीशन वगैरह दिखा देते हैं। अभी गाड़ी का साइड लुक और फ्रंट लुक वगैरह देख लें भाई लोग। फ्रंट से हमें गाड़ी का कंडीशन कुछ इस तरह से देखने को मिल जाती है। आप लोग बोल लोगे किस तरह से भाई? मैं बोल रहा हूँ इस तरह से देख लें आप लोग। तो अभी आपको गाड़ी की ओवरऑल कंडीशन वगैरह दिखा देते हैं। भाई ने गाड़ी कैसे मेंटेन वगैरह करके रखी हुई है। तो साइड लुक की बात करें तो साइड लुक से हमें गाड़ी बिल्कुल प्रॉपर कंडीशन में देखने को मिल जाती है। अगर हम गाड़ी के टायरों की बात करें तो आप गाड़ी के टायर वगैरह भी देख लें भाई लोग। अभी आपको गाड़ी के पीछे वाले टायर वगैरह देख लें। और अगर हम गाड़ी के पीछे वाले टायरों की बात करें तो आप गाड़ी के पीछे वाले टायर वगैरह देख लें। अभी आपको गाड़ी के अंदर से कंडीशन वगैरह दिखा देते हैं। अंदर से भाई ने गाड़ी कैसे मेंटेन वगैरह करके रखी हुई है। और अभी आपको गाड़ी के डोर वगैरह दिखा देते हैं। आप गाड़ी के ये डोर वगैरह देख लें भाई लोग। डोर से तो हमें गाड़ी की कंडीशन बिल्कुल प्रॉपर कंडीशन में देखने को मिल जाती है। और अगर हम गाड़ी की सीटों की बात करें, पीछे वाली सीटों की बात करें, तो आप गाड़ी की सीट्स वगैरह देख लें भाई लोग। सीट से तो हमें गाड़ी बिल्कुल प्रॉपर कंडीशन में और काफ़ी साफ़ सुथरी कंडीशन में देखने को मिल जाती है। और अभी आपको गाड़ी की आगे से भी कंडीशन दिखा देता हूँ। आगे से मैंने गाड़ी कैसे मेंटेन वगैरह करके रखी हुई है। तो अगर हम गाड़ी के आगे के डोरों की बात करें तो आप गाड़ी के आगे के डोर वगैरह देख लें। आगे के डोर से हमें गाड़ी बिल्कुल प्रॉपर कंडीशन में देखने को मिल जाती है। और सीट्स वगैरह देख सकते हैं आप लोग आगे की सीट से तो हमें बिल्कुल ओके कंडीशन में गाड़ी की कंडीशन देखने को मिल जाती है भाई लोग। इंटीरियर डैशबोर्ड की बात करें तो आप गाड़ी का इंटीरियर और डैशबोर्ड वगैरह देख लें। इंटीरियर डैशबोर्ड से भी हमें गाड़ी बिल्कुल प्रॉपर कंडीशन में देखने को मिल जाती है। तो अभी आपको गाड़ी का इंजन रूम वगैरह दिखा देते हैं, उसके बाद जिन भाई की गाड़ी है भाई से कॉन्टैक्ट करवा देते हैं। अभी आपको गाड़ी का इंजन रूम वगैरह दिखा देते हैं। जिन भाई की है गाड़ी उनसे भी कॉन्टैक्ट वगैरह कर लेंगे। अब गाड़ी का ये इंजन रूम वगैरह देख लें भाई लोग। तो अभी जिन भाई की गाड़ी है भाई से कॉन्टैक्ट करते हैं, भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी है और वो डिमांड वगैरह क्या कर रहे हैं। भाई 2012 की है और ये यूरो में है, ठीक है, बड़ी बेहतरीन एवरेज है। सीएनजी एसी सीएनजी सब इस पे, ठीक है। डॉक्यूमेंट सिविल सी टैक्स से क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, चीज टैक्स पेड है, ठीक है। और गाड़ी में किसी किस्म का काम वगैरह है? किस्म का काम नहीं है। ओनर कितने गाड़ी के? सेकंड ओनर है। पेट्रोल सिंह जी दोनों पे, सिर्फ पेट्रोल पे? दोनों पे। एक लीटर में कितना दे रही है अंदाजा? पेट्रोल पे 19-20 करती है। 19-20 दे रही है, ठीक हो गया। डॉक्यूमेंट सिविल सी टैक्स से क्लियर है, हर चीज क्लियर है, ठीक हो गया। इंजन अपना गाड़ी का? सब कुछ ओरिजिनल। डिमांड क्या कर रहे हैं आप गाड़ी की? 11 लाख। फाइनल कितने तक छोड़ देंगे, बोलेंगे बस ले आओ? 10-20 कम कर रहे हैं। 10-20 कम कर देंगे, ठीक हो गया। और अपना नंबर और नाम वगैरह बता दें। 03002459 636। और लोकेशन कहाँ की भाई? लोकेशन एयरपोर्ट। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। भाई ने गाड़ी के बारे में काफ़ी तफसीलात वगैरह बता दी, गाड़ी मैंने आपको दिखा दी भाई। आप गाड़ी की कंडीशन वगैरह देख लें। अगर आपको गाड़ी पसंद आती है तो भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, शुक्रिया।